सो हेलो गाइज, मैं क्लचलेस सिंह। फोर्ड की कार्स बेस्ट प्राइजेस पे लेने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तनिष फोर्ड को। तनिष फोर्ड की लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सो चलते हैं शोरूम के अंदर। आज हम बात करने वाले फोर्ड फ्री स्टाइल की। थ्री वेरियंट्स आते हैं फ्री स्टाइल के, टाइटेनियम, टाइटेनियम प्लस एंड फ्लेयर एडिशन। टू इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.5 टर्बो डीजल इंजन। सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन दिया गया फ्री स्टाइल में, किसी भी टाइप के ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता। फ्री स्टाइल की रेंज स्टार्ट होती है टाइटेनियम पेट्रोल वेरिएंट के साथ विद अ प्राइस टैग ऑफ 7.09 लाख रुपीज़ एक्सशोरूम डेली, और एंड होती है फ्लेयर एडिशन डीजल पे विद अ प्राइस टैग ऑफ 8.84 लाख रुपीज़ एक्सशोरूम डेली। आज हमारे सामने फोर्ड फ्री स्टाइल टाइटेनियम पेट्रोल। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑन रोड प्राइस की। टाइटेनियम वेरिएंट का डेली में ऑन रोड प्राइस है 7.98 लाख रुपीज़। सो स्टार्ट करते हैं कीज से। स्मार्ट कीज मिल जाएंगी आपको टाइटेनियम वेरिएंट में, डिसेंट डिज़ाइन मिलता है आपको स्मार्ट कीज का। स्मार्ट की के ऊपर लॉक, अनलॉक और डबल टैप टू बूट अनलॉक के बटन्स हैं। बात करें गाड़ी के फ्रंट की, फ्री स्टाइल की डिज़ाइन लैंग्वेज फ्रंट से काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्पोर्टी लगती है फ्रंट से। फ्रंट ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश में मिलती है, बीच में फोर्ड का लोगो। फोर्ड फ्री स्टाइल हैचबैक सेगमेंट की कार है, उसके बावजूद आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट दी गई है। आई थिंक गाड़ी की डिज़ाइन लैंग्वेज रैली से इंस्पायर्ड है। हेडलाइट्स की बात करें तो आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट्स मिलती हैं। हेडलाइट्स के अराउंड भी ब्लैक शेड्स का यूज़ किया गया है और इंडिकेटर एंड पार्किंग लाइट भी आपको बल्ब दी गई है। फॉग लैंप्स नहीं मिलते आपको टाइटेनियम वेरिएंट में। अब बात करें गाड़ी के साइड प्रोफाइल की, डिसेंट लुक्स हैं साइड से भी, मोर ऑफ अ स्पोर्टी डिज़ाइन देने की कोशिश की गई है। गाड़ी के साइड में काफ़ी मोटी व्हील आर्चेस दी गई है। एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे आपको टाइटेनियम वेरिएंट में, मल्टी स्पोक डिज़ाइन में मिलते हैं एलॉय व्हील्स, और एलॉय व्हील्स का साइज़ है 185/60R15। साइड इंडिकेटर आपको ORVMs में मिलते हैं। ORVMs एंड डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर दिए गए हैं, डोर हैंडल्स कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में मिलते हैं। अब चलते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल की तरफ। गाड़ी की बैक प्रोफाइल मेरे को थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है, वैसे दिखने में ठीक है बट फोर्ड को अब न्यू डिज़ाइन लेके आ जाना चाहिए। यहाँ पर मिल जाएगी आपको टाइटेनियम की बैजिंग, फोर्ड का लोगो, और यहाँ पर फ्री स्टाइल की बैजिंग। टेल लाइट्स की बात करें तो आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड टेल लाइट्स मिलती हैं, और इंडिकेटर एंड बैक लाइट के नीचे फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स नहीं दिए गए बट रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा। वाइपर और डिफॉगर नहीं मिलते आपको टाइटेनियम वेरिएंट में। हाई स्टॉप लैंप आपको स्पॉइलर पे मिलता है। शार्क फिन एंटीना नहीं दिया गया। रूफ रेल्स दी गई हैं फ्री स्टाइल में, फंक्शनल मिलती है रूफ रेल्स। अब बात करें बूट की, इलेक्ट्रिक बटन नहीं मिलता आपको बूट ओपन करने के लिए, या तो आप की से खोल सकते हैं या फिर गाड़ी के अंदर दिए गए लीवर से। पार्सल ट्रे नहीं दी गई बूट में। बूट का साइज है 257 लीटर्स। लगेज लैंप दिया गया है। बात करें स्पेयर व्हील की, स्टील रिम में मिलता है स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील का साइज है 175/65R14। हुक भी मिल जाते हैं आपको बूट के दोनों साइड। 60-40 स्प्लिट नहीं मिलती आपको रियर सीट्स, यहाँ से आप बूट का साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं। बूट क्लोज करने के लिए यहाँ पे स्पेस दिया गया है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। स्टार्ट करते हैं डोर से। चारों पावर विंडोज मिलती हैं। ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन का फीचर दिया गया है। यहाँ पे चाइल्ड लॉक, डोर ग्रैब करने के लिए स्पेस। डोर हैंडल्स पियानो ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs दिए गए हैं। रिट्रैक्टेबल मिलते हैं ORVMs। यहाँ पे मिल जाएगा आपको स्पीकर, बोतल होल्डर, और यहाँ पे दिए गए हेडलाइट्स के सभी कंट्रोल। ये है रियर फॉग लैंप्स के लिए बटन, और यहाँ से आप हेडलाइट ऑन कर सकते हैं, और ये आपका हेडलाइट लेवलिंग स्विच। अब बात करें स्टीयरिंग व्हील की, लेदर रैप्ड नहीं मिलता स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग के ऊपर भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश की गई है। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट्स की बात करें तो आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल मिलता है स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे मिल जाएंगे आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स। राइट साइड आपको किसी टाइप के बटन्स नहीं मिलते। बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, एनालॉग डिज़ाइन में मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट साइड टैकोमीटर, बीच में स्पीडोमीटर, और राइट साइड आपका फ्यूल गोज। टैकोमीटर रेडलाइन हिट करता है 6500 RPM पे, और स्पीडोमीटर की मार्किंग दी गई 220 km/h। स्पीडोमीटर के नीचे छोटी सी MID मिल जाएगी बट काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है MID, जैसे कि ड्राइवर डोर ओपन, लिफ्ट गेट ओपन, जो कि है बूट का इंडिकेशन, फुल एक्सेसरी पावर एक्टिव,
और अगर आप बोनट ओपन करेंगे तो वो भी दिखा देता है यहाँ पे। यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं आप आईडी को, यहाँ पे ओडोमीटर, टेम्परेचर, ट्रिप्स एंड एवरेज, इंडिकेटर एंड हाई बीम लो बीम के लिए यही कंट्रोल है जैसे कि बाकी कार्स में होता है। और लेफ्ट साइड मिल जाते हैं आपको वाइपर्स के कंट्रोल, कुछ इग्निशन बटन भी दिया गया है। बात करें इंफोटेनमेंट की, बेस वेरिएंट से टच स्क्रीन दी गई है, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार्प्ले का फीचर नहीं दिया गया, बट नेविगेशन एंड कोड की तरफ से आने वाली कनेक्टिविटी मिल जाएगी। स्क्रीन का टच काफ़ी बढ़िया काम करता है। इंफोटेनमेंट के साथ फिजिकल बटन्स भी दिए गए हैं, लेफ्ट साइड वॉल्यूम के लिए नॉब और राइट साइड ट्रैक चेंज करने के लिए। यहाँ पे मिलता है हैजार्ड लैंप, मैनुअल एसी मिलता है टाइटेनियम वेरिएंट में, लेफ्ट साइड फैन स्पीड, बीच में टेम्परेचर और राइट साइड मोड्स दिए गए हैं। यहाँ पे एक कंपार्टमेंट मिल जाएगा, बड़े साइज़ के फ़ोन्स नहीं रख सकते आप यहाँ पे। यहाँ पे मिल जाएगा 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, ऑक्स एंड यूएसबी पोर्ट, 5 स्पीड मैनुअल के साथ आती है फ्री स्टाइल, गियर नॉब पे ग्लॉसी ब्लैक एंड क्रोम फिनिश की गई है। अब देख लेते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी, नॉर्मल क्वालिटी मिलती है रिवर्स पार्किंग कैमरा की, गाइडलाइंस के साथ मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा। यहाँ पे मिल जाएंगे कुछ और कंपार्टमेंट्स, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए बटन, दो कप होल्डर्स भी दिए गए हैं और यहाँ पे भी एक बोतल होल्डर मिल जाएगा। मैनुअल हैंडब्रेक मिलती है, मैनुअल डिमिंग आई आर रिम दिया गया है, फ्रंट पैसेंजर्स के लिए रीडिंग लैम्प दिया गया है, वॉइस कमांड्स के लिए माइक यहाँ प्लेस्ड है, को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर दिया गया है और ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता, टिकट होल्डर दिया गया है। ग्लव बॉक्स का साइज भी नॉर्मल है, इल्यूमिनेटेड मिलती है ग्लव बॉक्स, डैशबोर्ड पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, फ्रंट सीट्स के एडजस्ट एडजस्टेबल हैं, ड्राइवर सीट 8-way और को ड्राइवर सीट 6-way एडजस्टेबल मिलती है, हाइट एडजस्ट करने के लिए लीवर। अब चलते हैं बैक सीट्स पे, पावर विंडो के लिए बटन, डोर ग्रैब करने के लिए स्पेस, ग्लॉसी ब्लैक कलर डोर हैंडल, स्पीकर, रियर डोर्स पे बोतल होल्डर नहीं दिया गया। अब देख लेते हैं गाड़ी का स्पेस, डिसेंट स्पेस मिलता है आपको फ्री स्टाइल में, ड्राइवर सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 5'10". रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स नहीं दिए गए, बीच में जो पैसेंजर बैठेगा उसको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। रियर पैसेंजर्स के लिए रीडिंग लैम्प नहीं दिया गया, हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं बट आर्मरेस्ट नहीं मिलता। फ्री स्टाइल का जो ब्लैक इंटीरियर मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, बिल्कुल ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है विद ब्लैक टॉप। अब देख लेते हैं गाड़ी का इंजन, फोर्ड फ्री स्टाइल में मिल जाएगा आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर इंजन, जो पावर निकालते हैं 95 bhp और टॉर्क निकालते हैं 119 Nm। बोनट पे इंसुलेशन नहीं कर रखी। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको मिल जाएंगे 2 एयरबैग्स, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, हिल असिस्ट एंड मैनी मोर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं आप, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।